अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन की शामी कबाब बनाने जा रहे हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो उसके लिए हमें चाहिए भीगी हुई दाल, ठीक है, और बोनलेस चिकन चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए, साबुत लाल मिर्ची हमें चाहिए 3 से 4, और साबुत खड़े मसालों में हमें दालचीनी, लौंग, साबुत काली मिर्च, और हमें पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, प्याज चाहिए। इन सबको आपने बॉईल कर लेना है, 1 गिलास पानी में बॉईल करना है, और इस तरह के पानी आपको खुश्क हो जाए। पानी को हमें बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क कर लेना है, इतना ही इसी क्वांटिटी में डालना है कि पानी पूरी खुश्क हो जाए। फिर हमें चिकन को, बोनलेस चिकन को अलग कर लें, उसको श्रेड कर लें, श्रेड करके अपने पास रख लें, और जो दाल का बाकी मसाला है उसको आप चॉपर की मदद से चॉप कर लें। अब हम पिसी हुई दाल में श्रेडेड चिकन डालेंगे, धनिया डालेंगे चॉप, धनिया डालेंगे चॉप्ड, सब्ज़ मिर्ची डालेंगे, अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और हम इसको कटलेट्स की शेप दे देंगे। बहुत ईजी, बहुत ही लजीज किस्म के शामी कबाब आपके तैयार होंगे, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। काम इसको आप बना के चाहें तो फ्रीज भी कर सकते हैं।